एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वर्षा और मेरी प्यारी सी इसना आप सबका फिर से स्वागत करते हैं मेरे ये छोटे से व्लॉग पे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए होगा बिकॉज ओके, हम लोग अभी जस्ट घर से निकल गए हैं और हम लोग ऑन द वे हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज इसना फर्स्ट टाइम जा रही है। देखिए, स्माइल कर रही है, पूरा हैप्पी है। फर्स्ट उसका अभी तक का मतलब इसमें फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी, मतलब हम लोग नहीं, इसना के साथ। तो देखते हैं कैसा क्या होता है ट्रेवल, और इसना कितना मतलब परेशान करती है नहीं करती है, और कैसा लगता है। तो बने रहिए व्लॉग पे एंड तक, होप आप सबको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको क्लिप सब दिखाते रहूँगी और आप लोग देखते रहिए। तो चलो इसना, रेडी हो जाओ। यो, कि गर्मी से तंग आकर सोचा कि थोड़ा सा वेदर का मज़ा लिया जाए, और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी के लिए। लेकिन ऐसा हो गया कि चेरापूंजी वाला वेदर यहीं पे बन गया, और गुवाहाटी पे ही अभी सुबह से बारिश दे रहा है। और हमारे साथ आधे रास्ते से जुड़ने वाली है दी, और हमारी मतलब नाइस मतलब दी की बेटी और जीजा जी। तो हम लोग सब एक साथ जाएंगे, ठीक है। फिर एक छोटा सा फैमिली पिकनिक टाइप का ही है, तो चलिए चलते हैं। कर लेते हैं, और मौसम बहुत ही बुरा हाल है, पूरा मतलब बारिश ही दे रहा है बाहर पे, और यहाँ पे इतना सो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, रो रही थी, क्रैंकी हो रही थी। तो अभी ये देखिए, अभी उठ भी गई, सोते सोते अभी उठ भी गई कैमरा को देख के। ये पूरा बाहर बारिश हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखते रहिए। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और हम अभी पहुँच गए हैं बोरापानी, और हल्का हल्का बारिश था इसीलिए हमने गाड़ी पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया। इशू, देखो इशू, देखो, हाँ इशू। सोचा था बहुत अच्छे से घूमेंगे बोल के, लेकिन ये बारिश का वेदर ने पूरा ख़राब कर दिया है। और शिलोंग पिक भी जाने का प्लानिंग था, लेकिन वो उस शिलोंग पिक जाने का मतलब गेट से रिटर्न आना पड़ा, क्यों आना पड़ा वो बात बताओ। और चलो फिर चलते हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे चेरापूंजी। और अभी तक हमने लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट तो कर लिया गाड़ी पे ही, लगता है कि लंच भी गाड़ी पे ही करना पड़ेगा बिकॉज जो बारिश आ रहा है बाहर खड़े होकर लंच तो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, चलो चलते रहते हैं। और हम हेलो, अभी मैं चेरापूंजी पे हूँ, और अभी मैं और इसना अंदर है गाड़ी के, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा फॉग और ठंड है, तो और बारिश बहुत है, तो इसीलिए हम लोग नहीं उतरे, उतर के एक दो फोटो क्लिप लिया और फटाक से अंदर आ गए। तो
इतना बेकार हो गया ना आज सब, मतलब प्लानिंग जो मतलब पूरा चौपट हो गया जैसा ही हो गया, बिकॉज बारिश की वजह से हम लोग ना उतर पा रहे हैं ना ढंग से कहीं पे खाना खा पा रहे हैं, और पिकनिक के पिकनिक जैसा करके हमने सब कुछ बना के लाया था इतना कष्ट करके, लेकिन वैसा खाना मतलब अच्छे से खा नहीं पाए, गाड़ी में ही मतलब मिला के खाना पड़ा और बहुत प्रॉब्लम हो गया। और इसना का भी फर्स्ट जर्नी है इस टाइप से, और वेदर अचानक से मतलब ना पूरा प्लानिंग होने के बाद आज निकलेंगे और सुबह से वेदर खराब हो गया, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब इस टाइप से इतना ज़्यादा बारिश होगा बोल के। ठीक है कोई नहीं, हम लोग अभी यहाँ से बैक करेंगे क्योंकि आगे ज़्यादा जाने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि फॉग के कारण कुछ दिखेगा भी नहीं और बेकार और देर होते रहेगा। और इसना का भी फर्स्ट जर्नी है ना बेटा, इसना की फर्स्ट जर्नी है तो थोड़ा बहुत क्रैंकी हो रही है, गाड़ी के अंदर बच्ची है इतना टाइम से रहना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा व्लॉग तो नहीं हो पाया क्योंकि इस बारिश में मैं कैमरा लेके आपको क्या दिखाऊँ क्या करूँ, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ में ऐड कर दूँगी जो हमने लिए हैं, तो बने रहिए व्लॉग पे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कैसा लगा बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा तो अच्छा है, बट बारिश के लिए अच्छा नहीं, बारिश के लिए अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे दीदी लोग गए हैं शॉपिंग करने, शिवम पीक अपना प्राइवेट कार नहीं ले जा सकता। वो खराब, हाँ ये तो है, वहाँ पे लोकल का कार्स ही जाएगा, अलाउड है, और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस फिर देना पड़ेगा। चार्जेस कितना है वहाँ पे और एक्स्ट्रा? ऑलमोस्ट टिकट 450 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बस वो पिक का अंदर में जाने के लिए। वेदर बारिश, पूरा बारिश ही बारिश। चलो बैक, मैगी खा के अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। और ये है नज़ारा, पूरा फॉग और बारिश, बारिश के कारण कुछ दिखा नहीं, सब धुंधला सा हो गया। ओके मैडम, आपको कैसा लग रहा है बताइए। फालतू, अब आएंगी आप, नेक्स्ट टाइम आएंगी? बिल्डिंग तो सही है, कभी नहीं, वो भी ठीक लग रहा है ना, उनकी मजा बिल्डिंग है, थोड़ा बहुत साबर इच्छा ना है, साबर इच्छा ना है। सुनो सुनो, ये नहीं जाए, बहुत अच्छी बताते हैं।